वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है और मोटर जो है किस अवस्था में मैक्सिमम पावर जनरेट करती है, इन दोनों कंडीशन को मैं आज इस क्लास में बताने वाला हूं आप लोगों को। बच्चों आई होप आप लोग जो है तो अच्छे होंगे। और आज की क्लास बच्चों बहुत दिनों बाद हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने काफी पिछले 10 दिन 15 दिन पहले हम लोगों ने क्लास लिया था, 1 मंथ पहले मैंने लिया था। तो बीच में बच्चों कुछ कारणवश मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अब आप लोग की कंटिन्यू क्लास होगी और आप लोग को मैं सारा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा बच्चों। जैसे कि अभी कुछ वैकेंसी आने वाली है बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं डीआरडीओ की वैकेंसी आने वाली है, साथ में बच्चों एएलबी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आने वाली है, मध्य प्रदेश में मेट्रो की भर्ती आने वाली है बच्चों, जो कि इंदौर से और भोपाल से जो मेट्रो का भी ट्रायल हुआ है उसमें विद इन 3 या 4 मंथ में जो है तो नोटिफिकेशन रिलीज होने का चांसेस है, क्योंकि मेट्रो का काम लगभग पूरा कर लिया गया है, उसका ट्रायल भी हो चुका है। तो आने वाले समय में मेट्रो की भर्ती निकलेगी ही निकलेगी। तो आप लोग उसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो जाइए, अभी से तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का जो मेन पोर्शन है बच्चों थ्योरी, उसमें काफी क्वेश्चन हद तक आते हैं उसमें। तो आप लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल को मजबूत करना है, साथ में नॉन टेक्निकल को धीरे धीरे कवर करते चलना है, जिससे क्या होगा बच्चों मेट्रो की जो भर्ती आएगी मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में, क्योंकि मेट्रो जो है इंदौर भोपाल का वो एकदम फ्रेश है, नया बना हुआ है, तो उसमें एम्प्लॉयों की बहुत जरूरत रहेगी। ज़्यादा नंबर आप पोस्ट आएंगी, वैकेंसी जब आएगी बच्चों तो उसमें आपको नोटिफिकेशन में नंबर आप पोस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए हम लोग ये मान के चले बच्चों की एक अच्छी भर्ती आने वाली है असिस्टेंट लोको पायलट एएलबी की, जो कि रेलवे डिपार्टमेंट से आएगी, और साथ में मेट्रो एमपी मेट्रो का भी जो है तो नोटिफिकेशन देखने को जल्द ही मिल सकता है। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी चुनाव है, लेकिन इसके बाद जो है तो आप लोगों को सारी नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी मोटर का क्लास नंबर थर्ड, जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं टॉर्क के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा दूं बच्चों कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, अधिकतम अवस्था कब मिलती है, किस अवस्था में अधिकतम पावर मिलती है मोटर को, इस चीज को पहले हम लोग देख लेते हैं बच्चों। तो टॉपिक है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, बच्चों हिंदी में हम कहेंगे कि अधिकतम पावर की स्थिति या अधिकतम पावर की अवस्था। तो हम बात करेंगे बच्चों मोटर की, तो मोटर में जो होता है अधिकतम पावर मोटर को कब मिलती है या अधिकतम पावर कब जनरेट करता है, जब उसकी ईबी बच्चों बैक ईएमएफ जो है वो वोल्टेज के, जो हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं बच्चों उसके हाफ हो, ठीक है, उसके क्या हो बच्चों हाफ हो, इस अवस्था में हमारी मोटर को अधिकतम पावर मिलता है। वही हम बात करें जनरेटर की बच्चों, जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर के केस में होता है बच्चों जो हमारे पास वोल्टेज होता है और उसमें जो उत्पन्न ईजी होता है बच्चों, जो उत्पन्न ईजी होता है वो कितना होना चाहिए, वोल्टेज के 1/2 अर्थात आधा होना चाहिए। ईजी या ईबी आप कह सकते हैं, जो उसके अंदर ईजी जनरेट होता है वो आधा होना चाहिए सप्लाई वोल्टेज के, तो वो क्या होगा बच्चों अधिकतम पावर जनरेट करेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पे मोटर के लिए, ये किसके लिए है बच्चों, ये जो है जनरेटर के लिए, ठीक है, ये जो है जनरेटर के लिए है और ये बच्चों मोटर के लिए है, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछता है बच्चों कि मोटर में अधिकतम पावर कब बनेगी, अधिकतम पावर कब उत्पन्न करेगा, तो हम बात करेंगे कि मोटर जो है वो इस अवस्था में अधिकतम पावर जनरेट करेगी। यह अवस्था कौन सी होती है बच्चों, हम जानते हैं हमारे पास एक मोटर होती है, ओके, यहां पे हमारे पास में क्या होती है बच्चों क्वाइलिंग होती है, ये सॉफ्ट हमारा हो गया। हम क्या करते हैं बच्चों कि इसमें सप्लाई देते हैं, फॉर सिंगल फेज की हम बात करें, सिंगल फेज में हमारे पास फेज और न्यूट्रल हमने सप्लाई दिया बच्चों, हम यहां पे जनरली एसी सप्लाई देते हैं, है ना, एसी सप्लाई ही देते हैं। डीसी मोटर हम बात कर रहे हैं तो डीसी में क्या करेंगे, हम डीसी सप्लाई दे देंगे। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं एसी की या डीसी, कोई सी भी हो, है ना, डीसी या एसी कोई सी भी सप्लाई हम दे रहे हो। अब हम बात करेंगे बच्चों कि जैसे यहां पे हम करंट देंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी बच्चों, तो क्या होगा कि इस स्टेटर के कॉइल में,
इस स्टेटर के क्वाइल में क्या होगा बच्चों, करंट कट करेगा। इस क्वाइल में जब करंट कट करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, वहां पे फ्लक्स बनेगा। वो फ्लक्स लिंक करके कहां पे जाएगा बच्चों, वो लिंक करके रोटर वाइंडिंग में जाएगा। जब रोटर वाइंडिंग को जाकर के फ्लक्स कट करेगा तो इस वाइंडिंग में क्या होगा बच्चों, इस वाइंडिंग में क्या होगा बच्चों, यहां पे फाइव वन बनेगा तो यहां पे फाइव टू बन जाएगा। और नया फ्लक्स बनने के कारण, नया फ्लक्स बनने के कारण क्या होगा बच्चों, यहां पे ईबी अर्थात बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, अर्थात नया करंट वोल्टेज बन जाएगा। वह करंट वोल्टेज जो बनेगा वो कितना होना चाहिए बच्चों, सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए। उस अवस्था में हमारी जो मोटर होगी उसको अधिकतम पावर मिलेगी, अर्थात कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर यहीं से रिलेट करती है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो मोटर होती है उसको अधिकतम पावर या अधिकतम पावर की स्थिति कौन सी मानी जाती है। तो हम बताएंगे जब मोटर का जो ईबी होता है, जो बैक ईएमएफ होता है बच्चों, जो उसके अंदर नया करंट वोल्टेज बनता है वो आधा होना चाहिए किसके, सप्लाई वोल्टेज के। ओके बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लासों में पढ़ा दिया है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो पिछली क्लास में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देख ले बातें बच्चों इसके कुछ पॉइंट्स को। क्या कहता है पॉइंट्स बच्चों, यह जो थ्योरी हमने बताया है, ये हम लोग जो थ्योरिकली बात किए हैं बच्चों, ई बी बराबर वी अपॉन टू, ये केवल थ्योरिकली है बच्चों। वास्तविक प्रैक्टिकली बच्चों, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों कि इस स्थिति में, इस स्थिति में इस स्थिति में कोई भी डीसी मोटर कोई भी डीसी मोटर थ्योरिकली है ना, थ्योरी मतलब जो है थ्योरिकली की हम बात कर रहे हैं बच्चों, थ्योरिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से है ना, थ्योरिकली रूप से ही ईबी बराबर वी वाई टू की स्थिति में, अधिकतम पावर उत्पन्न करती है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली रूप में ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकली रूप में ऐसा नहीं होता है। ओके, कहने का मतलब यह है बच्चों कि यह कंडीशन कहां पे लागू होती है, थ्योरिकली हम जो किताबी ज्ञान जो हमारा होता है या हम बात करें किताब से जो हमें मिलता है, बुक्स जो हमें मिलता है वो रिलेट करता है बच्चों ईबी बराबर वी बाई टू, लेकिन ऐसा वास्तविकता नहीं है। अगर प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। तो प्रैक्टिकली कब होगा ये देख लेते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली कब होगा ये देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकली कब होगा बच्चों ये देख लेते हैं, तो उस समय अधिकतम पावर उत्पन्न करती है जब मोटर
बैक ईएमएफ, जब मोटर बैक ईएमएफ, जब मोटर बैक ईएमएफ ईबी का मान, ईबी का मान 80% से लेकर के है ना 80-90% अप्लाइड वोल्टेज के हाफ के बराबर हो, के बराबर हो। इस समय पे क्या होगा बच्चों, हमारी जो मोटर होगी वो ज्यादा से ज्यादा पावर को जनरेट करेगी। क्या कह रहा है बच्चों कि उस समय अधिकतम पावर जनरेट होगी जब मोटर की बैक ईएमएफ प्रैक्टिकल में ईबी से है ना ईबी से 80-90% ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के मान से आधा हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तब जाकर के क्या होगी बच्चों, मोटर हमारी जो है तो अधिकतम पावर जनरेट करेगी। यह स्थिति केवल थ्योरिकली, ऊपर वाली जो स्थिति होती है बच्चों ये केवल थ्योरिकली मानी जाती है ना। प्रैक्टिकली हम बात करेंगे बच्चों, प्रैक्टिकली जो होता है वो होता है बच्चों ईबी बराबर वी है ना, ईबी बराबर वी का मान जो होना चाहिए, का मान जो होना चाहिए बच्चों वो 80% से लेकर के 90% के बीच में होना चाहिए। उस अवस्था में क्या होगा कि हमारी जो मोटर होगी वो अधिकतम पावर जनरेट करेगी। अधिकतम पावर की स्थिति में डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है बच्चों, हम ये बात करेंगे तो ये फिक्स होती है बच्चों 50% है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि अधिकतम पावर की स्थिति में ओके क्या पूछ लेता है बच्चों कि अधिकतम पावर की स्थिति में, अधिकतम पावर की स्थिति में डीसी मोटर की दक्षता 50% होती है। ओके बच्चों क्या कह रहा है कि अधिकतम पावर की स्थिति में डीसी मोटर की दक्षता फिक्स होती है, 50% होती है। जब वह अधिकतम दक्षता देगा तो वह 50% के आसपास में जो है तो हमारी एफिशिएंसी होगी। ओके बच्चों, तो ये जो चीजें हैं इसको आप लोग को समझना है कि भैया हमारी जो मोटर होती है उसकी अधिकतम पावर कब जनरेट होगी। तो हम बात करेंगे थ्योरिकली के हिसाब से, तो बात करेंगे बच्चों ईबी बराबर जब वी बाई टू होता है, वहीं जनरेटर की हम बात करेंगे वी बराबर ईजी बाई टू होता है। और अगर हम बात करें थ्योरिकली के जगह में प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल में वास्तव में कितना होता है बच्चों, तो तब होगा जब ईबी का मान जो होगा वोल्टेज के 80-90% के आसपास में होगा। और अधिकतम पावर की स्थिति में डीसी मोटर की दक्षता कितनी होती है बच्चों, तो ये होती है 50%। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको मैंने नोट डाउन कराया है बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे क्योंकि यहां से एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा जाता है। जनरली जो पूछा जाता है बच्चों मैं वो बता दूं आप लोग को कि अधिकतम पावर की स्थिति में ओके मैक्सिमम पावर की कंडीशन में मोटर की दक्षता कितनी होती है। तो आपको याद रखना है बच्चों 50% होती है, इसी को आपको टिक करना, यही एग्जाम में आता है, यही पॉइंट यहां से जो है तो जनरली पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों टॉर्क की, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे बनता है, टॉर्क का क्या रोल होता है ना, और क्या इंपॉर्टेंस है मोटर में टॉर्क का। तो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि जो टॉर्क होता है जनरली वो एक बल होता है ओके, क्या होता है एक बल होता है जो स्टार्टिंग में, शुरुआत में मोटर को रोटेट कराने में मदद करता है। क्योंकि अगर टॉर्क कम होगा बच्चों तो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होगी या मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो टॉर्क बेसिकली वाला घूर्ण होता है। हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो किसी भी अक्ष के चारों तरफ उसे घुमाने के लिए लगाया गया जो टॉर्क, जो बल होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बल आघूर्ण या टॉर्क बोलते हैं। हम लोग बात करते हैं टॉर्क की बच्चों ओके,
टॉर्क की हम बात करते हैं, टॉर्क क्या होता है? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी अक्ष के चारों तरफ, किसी भी अक्ष के चारों तरफ, किसी भी अक्ष के चारों तरफ उसे घुमाने के लिए लगाया गया बल टॉर्क कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई बच्चों, किसी भी अक्ष के चारों तरफ। जैसे हम मोटर की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, मोटर, ये हमारा कोई अक्ष हो गया, कोई बिंदु पॉइंट हो गया। इसके चारों तरफ बच्चों रोटेट करने में, घुमाने में, उसके चारों तरफ घुमाने के लिए लगाया गया बल, जो उसमें फोर्स काम करता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसकी परिभाषा के साथ साथ में इसके जो है तो सूत्र की। तो टॉर्क बराबर होता है बच्चों, टॉर्क जो सूत्र होता है, टॉर्क बराबर होता है बच्चों बल गुणे त्रिज्या। ओके, उसमें फोर्स कितना लग रहा है बच्चों और उसकी त्रिज्या कितने हैं, डिपेंड करता है बच्चों उसकी त्रिज्या पे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका सूत्र एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। त्रिज्या का मतलब होता है बच्चों, हम किसी भी अक्ष, किसी पॉइंट से जब इसकी हम बात करते हैं, ये हमारी त्रिज्या हो जाती है। तो जितना दूर होगा, जैसे मैं कहूं इस गोले में फोर्स जो लग रहा होगा, इसकी कंपेरिजन में ज्यादा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इसकी त्रिज्या क्या है, आर ज्यादा है ना, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो यहां पे जो बल लगेगा वो कम लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा। हम बात करें जैसे हमारे पास में कोई रोटेट करने वाला कोई फैन है, मान लेते हैं पंखा, छोटा सा पंखा होगा, अगर उसको हम चालू करेंगे तो बहुत हाई स्पीड में रोटेट करेगा, हाई स्पीड में घूमेगा। लेकिन वहीं पर हम बात करें, बड़ी पंखी लगा दें, बड़ा पंखा लगा दें बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं पवन चक्की की, तो चक्की जो होता है और जो घर में फैन होता है बच्चों, तो घर में जो फैन होता है काफी हाई स्पीड में रोटेट करता है। लेकिन वहीं में हम बात करें पवन चक्की विंड एनर्जी की, तो वहां का जो उसका प्रेशर, जो उसकी स्पीड होती है फैन की, वो बहुत स्लो होती है। बिकॉज ऑफ, कारण क्या होता है बच्चों, तो उसका रेडियस, उसका त्रिज्या जो होती है बहुत ज्यादा होती है, ब्लेड बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उसको रोटेट होने में उतना फोर्स नहीं लग पाता है, फोर्स वहां पे कम लगता है। क्या बोल रहा है, टॉर्क क्या होता है बच्चों, बल गुणे त्रिज्या होती है। अब बल गुणे त्रिज्या को हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग जो है बल गुणे त्रिज्या को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये हम देख लेते हैं। साथ में इसकी इकाई क्या होगी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं जो टॉर्क होता है बच्चों, हम उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों एफ से, इंटू त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, जो बच्चों टॉर्क होता है ना, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर में, तो इसकी जो इकाई होगी बच्चों क्या होगी, न्यूटन मीटर में। क्या होगी बच्चों, न्यूटन मीटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, न्यूटन मीटर में इसकी इकाई होती है। टॉर्क डिपेंड कहां पे करता है बच्चों, ये भी देख लेते हैं। तो जो टॉर्क होता है बच्चों, जो टॉर्क होता है वो डिपेंड करता है बच्चों, टॉर्क जो डिपेंड करता है बच्चों कहां पे करता है, जो टॉर्क डिपेंड करता है बच्चों, वो टॉर्क डिपेंड जो करता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फाई और आई ए के। टॉर्क जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वहां पे क्या बनता है बच्चों, करंट, आर्मेचर करंट बनती है, और जो वहां फ्लक्स बनती है बच्चों, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां पे टॉर्क कितना लगेगा, किसी भी मोटर में बल कितना काम करेगा, टॉर्क कितना लगेगा बच्चों, वो निर्भर करेगा उसके अंदर बनने वाली आर्मेचर करंट और उसके अंदर बनने वाले फ्लक्स पे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं बच्चों कि डीसी मोटर में टॉर्क जो होता है फ्लक्स और आर्मेचर धारा के, है ना, इन दोनों पे डिपेंड करता है। हमने देख लिया कि भैया हमारा जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो डिपेंड करेगा आई ए और फाई पे। ओके,
अब हम देखते हैं बच्चों कि जो हमारे पास जो क्या होता है, हमें मोटर की सॉफ्ट पर मोटर के आर्मेचर में उत्पन्न टॉर्क पूरा नहीं मिल पाता है। इसका कुछ अंश क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन हुआ, लॉ में लॉस हो जाता है। इसके बाद प्राप्त टॉर्क को हम शॉफ्ट टॉर्क कहते हैं। शॉफ्ट टॉर्क से ही मोटर की आउटपुट वाट से ज्ञात की जाती है बच्चों। और जो हमारा टॉर्क होता है बच्चों, उसके हम लोग जो है तो कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा टॉर्क होता है वो मिलता कितना है, वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन वहां पे कितना हो रहा है और लौह आयरन हानि वहां पे कितनी हो रही है। इन दोनों के कारण जो हमारे पास बचा हुआ टॉर्क होता है उसे हम लोग बोलते हैं बच्चों सॉफ्ट टॉर्क। ठीक है, वही हमारे क्या करता है, रोटेट कराता है। तो ये आर्मेचर में हमारे पास में देखेंगे कि आर्मेचर में करंट कितनी बन रही है, फ्लक्स कितनी बन रही है, उस पर डिपेंड करेगा टॉर्क बच्चों। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टॉर्क मोटर में उत्पन्न आईए मतलब आर्मेचर करंट तथा फ्लक्स फाई पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब हम देख लेते हैं टॉर्क जो होता है, आर्मेचर टॉर्क जो होता है उसका क्या रोल होता है यहाँ पे। तो हम टॉर्क के भी हमने बात किया, टॉर्क क्या होता है बच्चों, किसी अक्ष के चारों तरफ घुमाने में है ना, उसे घुमाने के लिए लगाया गया बल टॉर्क कहलाता है। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है बल गुणे त्रिज्या, टी बराबर एफ गुणे आर। इसकी इकाई क्या होती है बच्चों, न्यूटन मीटर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं आर्मेचर टॉर्क की। क्या बच्चों, आर्मेचर टॉर्क क्या होता है ये देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आर्मेचर टॉर्क जो होता है बच्चों वो होगा, इसका फॉर्मूला से हम समझ लेते हैं, टी ए मतलब आर्मेचर टॉर्क बराबर होता है बच्चों 1/2 πfz ia मल्टीप्लाई पी अपान ए। ये हमारा होता है बच्चों टॉर्क का सूत्र। कहां का टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इकाई वही होगी न्यूटन मीटर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास, हम जानते हैं कि टॉर्क जो होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है बच्चों, बेसिकली डिपेंड करता है, हम बात करें चाहे आर्मेचर टॉर्क हो चाहे कोई सा भी टॉर्क हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई और आई ए के। बाकी चीजें तो ऐसे ही हैं, बाकी चीजों पर निर्भर ज्यादा नहीं करता है, मेन निर्भर करता है बच्चों आर्मेचर टॉर्क हो या टॉर्क हो वो फाई और आई ए पे ही डिपेंड करेगा। आर्मेचर टॉर्क जो होता है उसके निम्न कारकों पर जो है निर्भर करता है, उसका पहला होता है बच्चों फ्लक्स, दूसरा होता है आईए, तीसरा हम बात कर सकते हैं कि यहां पे बच्चों क्या होता है, आर्मेचर कंडक्टर की संख्या अर्थात जेड पे निर्भर करता है। ठीक है, आर्मेचर धारा हो गई, पोलों की संख्याएं हो गई और आर्मेचर में पाथ की संख्या, इन सभी पे टॉर्क हमारा निर्भर करेगा। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई होगी बच्चों कि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कैसे काम करता है, डीसी मोटर में क्या इंपॉर्टेंस होते हैं टॉर्क के, और हमारी डीसी मोटर जो होती है बच्चों वो मैक्सिमम पावर कब किस कंडीशन में देती है और अधिकतम पावर की स्थिति में उसकी दक्षता क्या होती है। इस क्लास में हमने इस चीज को कवर किया बच्चों। आज क्लास बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल लेकर के आएंगे बच्चों, जिसमें हम लोग देखेंगे रनिंग अवस्था में आर्मेचर टॉर्क क्या होता है। ओके, और डीसी मोटर की टॉर्क एवं स्पीड में संबंध क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और डीसी मोटर में स्पीड क्या होता है उसका रिलेशन देखेंगे, डीसी मोटर और टॉर्क में क्या स्पीड में और टॉर्क में क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसे बनता है, उस पर बहुत सारी चीजें अभी हमको पढ़ना बाकी है। तो कल क्लास से हम लोग लेकर के आएंगे, कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तब तक के लिए क्लास को खत्म करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।